आज हम जा रहे हैं मालपुआ बनाने। इसके लिए लिया है हमने केला, सब केला को छील लेंगे। थोड़ा सा किशमिश डालेंगे, देखिए इलायची थोड़ा सा इसको कूच लेंगे, थोड़ा सा कूच लिया हमने। आप चाहें तो इसका बीज भी डाल सकते हैं, सिर्फ बीज भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 150 ग्राम जैसा चीनी, हमको तो अंदाज है, आप वजन से ले लें। डालेंगे इसमें 1/2 kg मैदा, सारे को मैश कर लेंगे, अच्छा से मैश कर लेंगे पूरा केला को, ताकि उसका गुठली ना रह जाए, घुल जाता है। खाने वाला सोडा डालेंगे, 1/2 teaspoon डालेंगे। डालेंगे इसमें दूध, 1/2 kg मैदा है तो 1/2 kg ही दूध लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छा से मिलाएंगे, जिसमें गुठली ना बने। जितना मैदा होता है उतना ही दूध लगता है। सारे चीज़ को मैश करके, अब देखिए मैश कर लिए हैं। मैश करके इसको थोड़ा देर रेस्ट पर रखेंगे। अब इसको रख देंगे हम 1-2 घंटे के लिए, जितना ज़्यादा रख सकें। वैसे हम तो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर में इसको बनाएंगे, ढक के रख देते हैं। अब देखते हैं हुआ कि नहीं। 1.5 घंटा हो चुका हमारा। हाँ, खूब अच्छा हो गया है। थोड़ा गाढ़ा है, गाढ़ा लग रहा है ना। थोड़ा सा हम इसको पानी दे करके करेंगे, थोड़ा सा पानी दे करके इसको ढीला कर लेंगे। अब इसको अच्छा से मैश कर लेंगे। इस तरह से करके मैश कर ले। अब हो गया, तो अब हम बनाएंगे इससे मालपुआ। हमने फ्राई पैन चढ़ाया हुआ है, उसमें गरम करने के लिए तेल भी रखा है। तो चलिए बनाते हैं मालपुआ। अब वेटर जितना पतला डालेंगे घोल को, जितना पतला डालेंगे उतना ही अच्छा आपका मालपुआ बनेगा। देखिए ये ऐसे ही चिपकेगा, इसीलिए कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि एक साथ में 2-3 नहीं बना पाते हैं कढ़ाई में, इसीलिए हम फ्राई पैन में ही बनाते हैं। आप चाहे तो कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन एक एक ही बनेगा कढ़ाई में, एक बार में एक ही बनेगा। इसमें एक बार में 2-3 बना सकते हैं। देखिए कैसा फूल रहा है, लंबा लंबा बना रहे हैं तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि जो भटोरा नहीं होता है फूल जाता है, बिल्कुल वैसे ही फूल जाएगा। देखिए कितना पतला डाले हैं, जितना पतला डालेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये बन के रेडी हो गया है हमारा मालपुआ। आप खाएं और बताएं कैसा लगा हमारा मालपुआ। ये आपके लिए है। थैंक यू।